पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग किए जाने के मामले में विपक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। आज इमरान की पार्टी का सुना जाएगा पक्ष। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के बाद संसद भंग करने पर फैसला देने से किया था इनकार, कहा संविधान से जुड़ा मामला है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद के पास नेशनल असेंबली भंग करने का अधिकार, डिप्टी स्पीकर ने संसद भंग करने के अधिकार पर उठाए सवाल। सुनवाई के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा भले ही स्पीकर आर्टिकल 5 के तहत दे फैसला, अविश्वास प्रस्ताव नहीं किया जा सकता खारिज। इमरान खान ने अपनी पार्टी की आज बुलाई बैठक, अगले चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर होगी बैठक। इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ के समर्थकों ने निकाली रैली, मोबाइल लाइट फ्लैश कर इमरान को समर्थन का इजहार किया। इमरान खान ने पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम के लिए पूर्व जस्टिस गुलजार अहमद का नाम सुझाया, राष्ट्रपति को भेजा नाम। के टेकर प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करेंगे इंतजार। ताजा घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान के एनएसए मोईद यूसुफ ने दिया इस्तीफा, नहीं बताई फैसले की वजह, इमरान की तारीफ की। श्रीलंका में बढ़ रहा है सरकार के खिलाफ गुस्सा, सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। गोरखपुर हमले पर बड़ा खुलासा, एटीएस के रेडार पर पहले से था मुर्तजा, एक दिन पहले वकील बनकर उसके घर पहुंची थी टीम। सूत्रों के मुताबिक भनक लगने के बाद नेपाल फरार हो गया था मुर्तजा, सिद्धार्थनगर के अलीगढ़वा से खरीदा था हथियार, लैपटॉप से मिले आईएस और सीरिया के वीडियो। योगी ने गोरखपुर हमले में घायल जवानों से की मुलाकात, कहा घायल जवानों के इलाज की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार। अहमद मुर्तजा के पिता ने अपने बेटे को बताया मानसिक तौर पर बीमार, कहा कब क्या कर बैठे कुछ नहीं कह सकते। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। बिहार के सिवान में एमएलसी चुनाव लड़ रहे रईस खान के काफिले पर हमला, हमलावरों ने चलाए ताबड़तोड़ गोलियां। सिवान के एसपी के मुताबिक हमले में दो लोगों को लगी गोली, दूसरी गाड़ी से बारात से लौट रहे शख्स की गई जान। कश्मीर घाटी में गैर मुस्लिमों पर फिर आतंकी हमला, शोपिया में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित कृष्ण भट्ट को मारी गोली, श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज जारी। श्रीनगर के मैफूमा में हुए आतंकी हमले में घायल सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, हमले में दो जवान हुए थे घायल। बडगाम में सीआरपीएफ जवान को दी गई श्रद्धांजलि, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने दी पुष्पांजलि। कल श्रीनगर के मैफूमा में शहीद हुए थे विशाल कुमार। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने आतंकी वारदात को वहशीपन करार दिया, पागल जानवरों जैसा करेंगे आतंकियों का अंजाम। महाराष्ट्र के नासिक में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने का मुद्दा गरमाया, पुलिस ने सभी लाउडस्पीकर और डीजे बंद करने का दिया आदेश। नासिक के पुलिस कमिश्नर ने कहा किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। लाउडस्पीकर से अजान के बारे में राज ठाकरे के बयान पर बरसे महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत, कहा दिखाता है उनकी मानसिकता। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पुणे में शिरूर में अजान के दौरान रोकी अपनी स्पीच, तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। दक्षिणी दिल्ली में नवरात्रि के दौरान बंद रहेंगी मास्क की दुकानें, 2 से 11 अप्रैल तक रहेगी रोक, एसडीएमसी मेयर ने जारी किया आदेश। करौली में 7 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, डीएम ने जारी किया आदेश, कहा अभी हालात सामान्य नहीं। राजस्थान कांग्रेस ने करौली हिंसा की जांच के लिए बनाई 3 सदस्यों की कमेटी, मौके का जायजा लेने के बाद पार्टी की रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। दिल्ली के अंबेडकर नगर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी समेत बड़े नेता मौजूद। बीजेपी स्थापना दिवस समारोह से पहले संसदीय दल की बैठक, कल स्थापना दिवस समारोह पर पार्टी को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, कमलनाथ नेतृत्व में लड़ेगी कांग्रेस, बैठक में सभी सीनियर नेताओं ने जताई सहमति। आज राज्यसभा में पेश होगा एमसीडी संशोधन बिल, बिल पास होते ही दिल्ली में फिर 3 के बजाय एक नगर निगम होगा। दिल्ली में फिर 80 पैसे बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पिछले 2 हफ्तों में कुल 9.20 रुपए का इजाफा। मुंबई में 120 रुपए के करीब पहुंचा पेट्रोल, 84 पैसे के इजाफे के बाद पेट्रोल का रेट 119.67 रुपए। पीएम मोदी ने भारतीय मूल के अमरीकी सिंगर फाल्गुनी शाह को दी बधाई, फाल्गुनी ने बाल एल्बम श्रेणी में जीता है ग्रैमी अवार्ड। आज चैत्र नवरात्रि का 4th दिन, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में जुटे श्रद्धालु माता की पूजा की। लोकसभा में आज यूक्रेन संकट पर होगी चर्चा, 2 घंटे की बहस के बाद जवाब देंगे विदेश मंत्री, रूल 193 के तहत चर्चा की इजाजत। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक आज बुका में, नरसंहार के बाद बैठक, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी करेंगे संबोधित। यूक्रेन के बुका में शवों का मिलना जारी, रूसी सेना के बेस के पास मिले 4 लोगों के शव। बुका में शव मिलने के बाद एक महिला ने अपने घर के बाहर गार्डन में दफनाए अपने पति का शव, रोते हुए समझौते की अपील की।
बुका शहर का दौरा करने पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की स्थानीय लोगों से की बात। लोगों ने बिजली समेत कई समस्याओं पर मांगी मदद। बुका में मारे गए 300 से ज्यादा लोग यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप, कहा हाथ बंधे हुए मिले शव, महिलाओं लड़कियों के साथ हुआ रेप। अमेरिका के बुका नरसंहार को वॉर क्राइम करार दिया गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने वॉर क्राइम के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। यूनाइटेड नेशन में रूस के राजदूत ने बुका में नरसंहार से किया इनकार, कहा रूसी सेना ने नहीं किया युद्ध अपराध, रूस को बदनाम करने और उकसाने की साजिश। रूस का बड़ा दावा, मारियोपोल में 267 यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर। अमेरिका के एनएसए सुलेवान ने कहा रूस ने बदली अपनी रणनीति, यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके पर किया फोकस, रूस को एहसास पश्चिमी इलाकों को तोड़ना असंभव। यूक्रेन के क्रामटोर्स्क में रेलवे स्टेशन पर लगी भीड़, विस्थापित यूक्रेनी लोगों में देश छोड़ने की होड़, सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। तानाशाह किम जोंग उन की बहन ने दक्षिण कोरिया को दी चेतावनी, कहा हमला किया तो न्यूक्लियर हथियार से देंगे जवाब। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, 12 रन से दी गई मात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।